प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग फाइनल एग्जाम दोगे, तो उससे पहले आपका जो ना सेंटअप एग्जाम लिया जाएगा, जो कि आपका ये लास्ट एग्जाम होगा। इसके बाद डायरेक्ट फाइनल एग्जाम होगा। अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम में जो है 75% नंबर नहीं लाते हो, तो आप लोगों को जो है ना फाइनल एग्जाम 2025 में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं करेगा। तो ये जरूरी आपको लाना, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हम लोग ये क्लास करा रहे हैं। आपको जो है ना सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो आप ध्यान रखिए, अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम आपका 11 नवंबर के दिन आपका होने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 322 रहेगा, सेट कोड सभी का सेम यही रहने वाला है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन वगैरह की। दो देखो, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको मात्र 25 क्वेश्चन बनाना है। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर 38 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 50 आपके ना 50 मतलब कि आधा बनाना होगा, ठीक है। टाइम वगैरह की बात कर ले तो बोर्ड एग्जाम में जैसे टाइम 3 घंटा 15 मिनट का आपको मिलेगा, सेम इसमें भी एग्जाम टाइम वही मिलेगा और टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। ये आपके परीक्षा से संबंधित सारा निर्देश वगैरह है, आप इसको पढ़ना चाहते हो अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, सारे सब्जेक्ट का हम पेपर डालने वाले। अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जैसे ही अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी हम आपको आगे सिखा देंगे। और उसके साथ साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे प्यारे बच्चों, उसमें जो है ना आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है ना टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा, आपको मात्र इसमें से 50 क्वेश्चन ही बनाना होगा। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, देखिएगा आपसे बन पाता है कि नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र राज और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो पहला का आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु का यह कहना था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। दो नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है। तो याद रखिएगा, दो का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अरस्तु। ऑप्शन नंबर दो का भी बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तीन की अगर बात हम लोग कर लें, तो बोला गया किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुल जो ना बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीति दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। तो तीन का भी ऑप्शन बी हो जाएगा, गवर्नर। आप लोग ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चार नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान है। तो याद रखेंगे, चार का ऑप्शन बी हो जाएगा, या जो ना फ्री मैन का कहना था, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। पांच की अगर हम लोग बात कर ले, तो बोला किसने कहा राजनीति के बिना, इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं। तो पांच का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्री मैन का कहना था, ऑप्शन नंबर इसका भी बी नंबर करेक्ट होगा। छः नंबर की अगर बात करेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो छः का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। सात नंबर की बात कर लें, तो बोला गया राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, तो सात का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भू, अभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आठ नंबर बोला गया किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज से होता है। तो बिल्कुल याद रखिए, आठ का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, गवर्नर का कहना था, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नौ नंबर की अगर बात करेंगे, तो लेविया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो नौ का सी नंबर हो जाएगा, हॉब्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। दस की अगर बात कर लें, तो रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है, तो दस का जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य इच्छा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ग्यारह की अगर बात करेंगे, तो ये आपसे बोला गया आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक है, तो ग्यारह का सी नंबर हो जाएगा, वोंदा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। बारह है, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश जो ना संप्रभु बताया, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हॉब्स ने, ऑप्शन नंबर 12 का आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, 13 नंबर बोला गया आस्टिन के अनुसार जो ना संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा,
13 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि कानून के कारण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 14 नंबर बोला गया राजनीति संप्रभुता का अर्थ क्या है? होता है तो 14 का ए हो जाएगा राजा की संप्रभुता, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 15 नंबर की, तो बोला गया लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना आप लोग डी नंबर याद रखेंगे जनता में, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा 15 का डी नंबर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 16 नंबर बोला गया और प्रश्न आपसे बोला निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? तो 16 का जो है ना ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा आप जना परित्याजता, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं 17 नंबर की, तो बोला गया रूसो ने जनसंप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया? तो 17 का बी नंबर जगह सोशल कॉन्टैक्ट जो ना कॉन्टैक्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 18 है कि क्वांटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? तो याद रखिएगा 18 का जो है ना बी नंबर होगा 1997 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। बात कर लेते हैं 19 नंबर की, तो ये आपसे बोला गया या किसकी उक्ति है कानून जो ना संप्रभु की आज्ञा है? तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ऑस्टिन का, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 20 नंबर की बात कर ले, तो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया? तो 20 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति में, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहां पर राइट होगा। आगे बात कर लेते हैं 21 नंबर की, तो ये आपसे बोला गया न्याय यानी कि जस्टिस शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो 21 का आप याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा जस से, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि परंपरागत उदारवाद के प्रवर्तन प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है? तो देखो प्यारे बच्चों आप ना 22 नंबर का कमेंट कर देना, ठीक है सभी लोग कमेंट कर देना आंसर, ठीक है आप लोग बताना इसका क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर आपसे यहां पर बोला गया और प्रश्न बोला कि नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? तो 23 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल नागरिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 है अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? तो 24 का ना ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समाज, ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। 25 नंबर है किसने कहा मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है लेकिन वह जो ना सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है? तो 25 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा रूसो का कहना था, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो 26 का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, रात में जो है ना 8:30 बजे आपका इसी चैनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास कराया जा रहा है, ठीक है इसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट का क्लास करवाते हैं और आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2025 जो आप बचा हो उसमें बिल्कुल पूछा जाएगा। अब आपका सारा एग्जाम इसके बाद मंथली वगैरह खत्म हो गया, आप डायरेक्ट फाइनल एग्जाम की तैयारी बस करना है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। आगे हम अभी बताएंगे कुछ देर में व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर लेना तो डेली आपको क्लास का नोटिफिकेशन रात में 8:30 बजे जैसे ही मिलेगा, तो आप लोग जुड़ करके क्लास करना और आपका टारगेट कम से कम जो है ना 8 आप लोग लियो तो 450 होना ही चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करना आपका क्या टारगेट है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते आगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो 26 का जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब आगे अगर बात करेंगे हम लोग 27 की, तो बोला गया संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड वेवर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 बोला किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को, राइट आंसर डी नंबर जो है ना बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो बोला गया 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 का जो है ना ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा।
31 नंबर प्रश्न बोला गया कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है। तो देखिए 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकल संकरणीय मत प्रणाली ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं 32 की, तो किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। तो 32 नंबर का ऑप्शन जो है ना याद रखिएगा ए नंबर करेक्ट होगा, जे एस मिल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका जो है ना राइट हो जाएगा। 33 की अगर बात कर लें तो बोला गया भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 34 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके जो है ना प्रति उत्तरदायी है। तो 34 का सी नंबर हो जाएगा लोकसभा का राइट आंसर सी नंबर, आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। बात कर लेते हैं 35 नंबर की, तो ये आपसे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहाँ वह आवश्यक समझे। तो देखिए 35 का ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जो है ना किसके प्रति उत्तरदायी है। तो 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा के प्रति, राइट आंसर बी जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 आपसे यहां पर पूछा गया, भारत में द्वि सदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई। तो 37 का डी नंबर हो जाएगा 1949 भारतीय संविधान का, ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ना डी नंबर याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 37 का डी नंबर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 39 नंबर बोला गया, किसी राज्य की विधान परिषदा को कौन निलंबित कर सकता है। तो 38 का सी हो जाएगा, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो 39 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कि किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने का शक्ति किसको प्राप्त है। तो 39 का हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा राज्यसभा को, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 40 है, भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है, क्यों लचीली है। तो 40 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरल संविधान संशोधन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 41 नंबर की अगर बात करेंगे तो बोला गया लोकतांत्रिक के विवेकीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है। तो 41 का भी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज पर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है। तो 42 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर करेक्ट होगा। बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की, तो ये आपसे बोला भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा उदारवाद, ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 44 की, तो बोला गया कि हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है। तो 44 का डी नंबर हो जाएगा, वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर राइट होगा। बात करते हैं हम लोग 45 की, तो बोला गया अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया। आप याद रखिए 45 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, ये आपका धर्मनिरपेक्षवाद पर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसके विचार में न्याय का अर्थ जो है ना श्रम विभाजन और कार्यों की विशेषणीकरण है। तो बिल्कुल याद रखिए 46 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि आपका अरस्तु होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपसे 37 नंबर पूछा जा रहा है, कौन सी कड़ी स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है। तो 37 का ऑप्शन नंबर है आपका 37 नहीं है 47 है, ठीक है। तो 47 का सी नंबर हो जाएगा न्याय, यानी कि जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर बोला, 38 बोला कि अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है। तो याद रखिएगा 38 ऑप्शन हो जाएगा राज्य का कानून, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर जो है ना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात कर रहे हैं तो बोला गया नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो याद रखिए 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 50 है कि राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, देशद्रोही को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर जो है ना राइट होगा। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले हम आपको इसका पीडीएफ वगैरह बता देते हैं कहां पर मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का एक साथ मेंशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। तो इसका आंसर आपको गूगल में जाना है और मिटन स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है चलिए फिर आपसे हम लोग सीख लेते हैं, फिर वीडियो में आगे हम कंटिन्यू 51 नंबर से आंसर भी आपको बताएंगे। तो
सर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा ना, आपके सामने क्लास 12 लिखा हुआ मिल जाएगा, क्लास 12 का सेशन है। देखिए क्लास 12 यहाँ पर फर्स्ट में लिखा मिलेगा, क्लास 12 सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आप यहाँ पर एक बार पेज वगैरह को रिफ्रेश जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे चले आना है। नीचे आएगा तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ देखो लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसके सामने लिखा है ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे चले आप लोग आओगे, यार साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे ना ये आपका आर्ट्स का सेशन। देखो इधर पेपर का नहीं मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक ऑल सब्जेक्ट, इधर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करके आप लोग कर लेना। ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा और कॉमर्स वाले बच्चों का भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो फिलहाल आप लोग यहाँ से आइए, और जैसे कि आप लोग यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल साइंस के डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, वहाँ पर जो नया पेज खुलेगा उसमें भी रिप्लेस करना है तभी आंसर की मिलेगा। ऐसे हम सब्जेक्टिव के लिए एक वीडियो लाएंगे ना, उसमें अच्छे से बता देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 51 बोला कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय कहाँ है। तो 51 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ए नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो है ना अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 52 नंबर को देखेंगे तो बोला गया संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। तो 52 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 53 है कि यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया था, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक एकीकरण हेतु ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 54 नंबर की, तो 54 नंबर बोला गया सार्क का मुख्यालय कहां पर है, तो 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा ढाका में, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर आपसे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 56 है भारत के प्रधानमंत्री किसके तरह किस प्रकार से प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा 56 का भी नंबर हो जाएगा निर्वाचित होते हैं, किनके द्वारा, तो सांसदों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 बोला गया आपसे 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी होगा भूटान में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर बोला गया अमेरिका के राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा यह किया गया था जो है ना बिल्कुल, देखिए 58 का ए नंबर हो जाएगा बराक ओबामा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर जो है ना 58 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 59 नंबर पर बोला गया कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजा कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 60 नंबर प्रश्न बोला कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा M.S. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर बोला गया आपसे कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बरसात के 1971 में बने महान संगठन गठबंधन का उद्रेक था क्या, तो याद रखिएगा 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा हटाओ, ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 63 की, तो बोला किसे जो ना वामपंथी पार्टियों की कोटी में रखा जा सकता है, तो याद रखिएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हुआ। 64 है 2003 के जो ना 93 संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोंडो, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर 1975 के में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो 65 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, याद रखिएगा आंतरिक गड़बड़ी के कारण, ऑप्शन नंबर सी होगा। और कौन लगाई थी, इंदिरा गांधी, कब हुआ था, 1975 में, यह भी आपको याद रखना है। 66 है कि किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तो याद रखिएगा 66 का भी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 67 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला कि पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984
1982 में किसकी हत्या का कारण बनी? तो 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राजीव गांधी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 68 है, 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा 69 का ए नंबर हो जाएगा जो ना स्कॉट होम में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 70 है, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? तो याद रखिएगा 70 का बी नंबर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। 71 नंबर प्रश्न बोला गया कि सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किससे? तो बिल्कुल देखिए 71 का ए नंबर हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे देखिएगा 72 नंबर प्रश्न बोला गया 1955 का जो ना बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 72 का सी नंबर हो जाएगा, भारत में, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 73 है कि भारत के लोह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भारत के लोह पुरुष के रूप में जो जाने जाते हैं ना आप याद रखेंगे, ये जाने जाते हैं आपका सरदार वल्लभभाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 74 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? तो याद रखिए 74 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 75 है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 75 का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा जनवरी 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 75 का हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा 76 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, प्रश्न बोला सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो ना राजस्थान से, आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो है ना कौन कौन सी जो है जो ला गया व्यवस्था, इसमें मतलब कि डायरेक्ट बताइएगा आप लोग कि सूचना के अधिकार में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षण की व्यवस्था है? तो लगभग 50%, आप ये भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 की बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 77 का ना ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, 1971 में, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो 78 का याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो ना लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर ना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर देख लीजिए, बोला गया 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, बोला गया कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी, यानी शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा 80 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन जो है ना 81 नंबर की जो ना बोडोलैंड जो ना स्वायत्त शासी जो ना परिषद किस राज्य में स्थित है? तो 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा असम में, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, परमाणु अपसारण संधि का किस राष्ट्र ने जो ना हस्ताक्षर नहीं किए? तो 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 83 नंबर की यूएस जो ना यूएसए ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया था? तो याद रखिएगा 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 दिसंबर 2001 को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 84 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, भारत में जो ना अभी कितने राज्य हैं? तो देखो भारत में अभी तो वर्तमान में क्योंकि अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 28 ही कह सकते हैं। ठीक है, तो 28 हो जाएगा भारत में, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 नंबर की किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई? तो 85 का ना ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा ये आपका 1945 ईस्वी में होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 86 का संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 86 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल ही डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर बोला गया, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? तो देखो 87 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। तो ये बोला कि वलियान की दीवार कब बनाई गई थी? तो वलियान की दीवार जो बनाई गई थी ना आप याद रखिए 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 89 नंबर की वैश्वीकरण का विचारधारा किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि साम्यवाद पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों को, 90 नंबर 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज
संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो याद रखिएगा 90 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर हो जाएगा, 5 वर्षों का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर बोला जा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर जो है ना करने का सुझाव दिया गया? तो 91 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 92 नंबर प्रश्न, ये आपसे बोला जा रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 92 का जो है ना ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, आगे 93 नंबर है कि बाबरी मस्जिद का जो ना विध्वंस किस वर्ष हुआ था? तो आप 93 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये जगह 1992 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 54 नंबर की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, क्यों है? तो याद रखिए 94 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका, वह किसी विदेशी सत्ता के बस में नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये आपसे यहां पर पूछा क्या जा रहा है, ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। प्रश्न बोला कि भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो देखो 95 का जो है ना आप लोग कमेंट करना, 95 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, दो क्वेश्चन का आंसर बताना है। एक स्टार्टिंग में हम लोग आपको 22 नंबर का भी बोले थे बताने के लिए, उसका भी आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कि संविधान ने किस भाषा को राज्यसभा का दर्जा नहीं दिया है? ठीक है, राज्यभाषा का दर्जा नहीं दिया, तो याद रखिए 96 का ना ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हिंदी को नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। प्रश्न बोला कि चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो याद रखिए 97 का सी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद जो है ना 354, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न बोला कि संघवाद का पुरातन यानी कि क्वालिसिकल दृष्टिकोण क्या है? तो याद रखिएगा 98 का ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि संघवाद का एकात्मक प्रतिमान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर तो 99 नंबर प्रश्न बोला किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही का एक अपिहार आवश्यक है? तो याद रखिएगा 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 100 नंबर की 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन किए थे, इंदिरा गांधी की थी, इंदिरा गांधी आपातकाल लागू की थी, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने टोटल जो है 100 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, और इसके अलावा जो है आपको मैंने बता दें इसका आंसर कहां मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। सब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे ना तो शॉर्ट यानी कि लघु त्रय क्वेश्चन में टोटल 30 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ये टोटल 2 नंबर वाला है तो टोटल बनाओगे आप लोग तो 15 2 यानी कि 30 नंबर का हो जाएगा, है ना। तो देख लो ये सारा क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपको वहां पर मिल जाएगा, तो मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर के आऊंगा, तो आप लोगों से इसलिए मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन देख सकते हो। अगर हम लोग लॉन्ग की बात कर ले यानी दीर्घ उत्तरीय की, तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें से मात्र 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 5 नंबर वाला है तो टोटल 20 नंबर आपको मिलेगा। तो आप इस प्रकार से सारा क्वेश्चन देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे।